Hello, my dear students. This is Sana here. So, how are you all? Actually, हम लिलिया से फैमिली कर रहे थे. उसके अंदर जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. सो अबाउट फ्लावर, अगर हम पढ़ें, ब्रैक्टिएट होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. बायसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक आपको पता है. ट्राईमेरिस, ये बिंदी आई हुई है इसके ऊपर, ट्राईमेरिस होता है. ट्राईमेरिस का मतलब है कि जो वोल हैं इसके वो 3 से डिवाइडेड हों. हाइपोकाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी है, ठीक है. एक्टिनोमॉर्फिक भी आपको पता है, पिछली बार बताया था. बायसेक्सुअल, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स हैं. ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्टिएट्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद पेरेंथ के बारे में अगर हम बात करें, तो पेरेंथ्स आपको पता है कैलेक्स और जो कोरोला है, और सारा जो कंप्लीट है उसको साथ में बोलते हैं पेरेंथ. बट अगर किसी कंडीशन में कैलेक्स और कोरोला जो है स्ट्रक्चर अगर अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, तो हम उन्हें टेपल्स बुलाते हैं, ठीक है. सो जो टेपल्स हैं वो 3+3 हैं, यानी 3 आउटर एंड 3 इनर हैं, जो कि आपस में यूनाइटेड है और वाल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक है. पेरियंथ टेपल समझ में आ गया. द नेक्स्ट वन इज दैट एंड्रोसियम, इसके अंदर जो स्टेमन्स हैं वो 6 हैं, 3+3 यानी आउटर प्लस इनर ऐसे ही. पॉलीएंड्रस हैं, एंथर्स हैं, वो डाइथिकिस हैं, ठीक है. डाइथिकिस, पॉलीएंड्रस का मतलब आपको पता है दैट्स 3, ठीक है. और एंथर डाइथिकिस का मतलब है कि जो एंथर हैं, देखिए ध्यान से, वो डाइथिकिस है यानी डबल पार्ट प्रेजेंट है उसका, ठीक है. उसके बाद बेसिक फिक्स्ड है, मतलब जो बेस है इनका वहाँ से फिक्स्ड हैंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है. उसके बाद एक गायनोशियम, गायनोशियम की अगर हम बात करें तो ट्राई कार्पिलरी होता है, यानी 3 कार्पल्स होते हैं. सिन कार्पस वॉट, मैंने शायद सोलनाइसी फैमिली में भी आपको समझाया था सेम चीजें, सिन कार्पस, राइट. देन ओवरी सुपीरियर है. ट्राइलोक्युलर यानी 3 डिपार्टमेंट्स या 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, विद मैनी ओवल्स और बहुत सारे ओवल्स से. और एग्जाइल प्लेसेंटेशन क्या होता है, ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया था, बट दोबारा बता देती हूँ. जो इसकी बीच वाला जो पार्ट है, यानी जो मिडिल पार्ट है, वहाँ से अराइज हो रहे हैं ओवल्स, देख सकते हो आप, 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है और जो बीच वाला पार्ट है वहाँ से अराइज हो रखे हैं, ठीक है. उसके बाद फ्रूट की अगर हम बात करें, तो कैप्सूल या रे, ये हम बात कर चुके थे पहले भी. और जो सीड्स हैं वो एंडोस्पर्मस होते हैं, ठीक है. अब देखिए फ्लोरल फॉर्मूला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. BR मतलब ब्रैक्टिएट, EBRL मतलब ई ब्रैक्टियोलेट, ठीक है. ई ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द प्लस साइन इज शोन फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक. एंड द नेक्स्ट इज फॉर बायसेक्सुअल, पी फॉर पेरेंथ 3+3 टेपल्स के लिए, एंड्रोशियम 3+3 स्टैमन्स, एंड गाइनोशियम 3, ठीक है, कार्पल्स के लिए, फाइन. और ये जो अंडरलाइन आपको दिखा रखा है, यानी सुपीरियर ओवरी है, ठीक है. मतलब आपको ये कंप्लीट मैं आप पहले उसमें समझा चुकी हूँ, सोलनाइसी फैमिली में ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, अंडरलाइन क्यों करते हैं, ऊपर से कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं, लाइक कैलेक्स करोला कनेक्टेड होते हैं, तो हम उसके ऊपर वो ब्रिज बना देते हैं, ठीक है. अब इसका अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला देखें, तो देखिए जो ब्रैक्टिएट होता है उसके लिए हम नीचे ऐसा ऐसा बनाते हैं बेस, जिसके ऊपर रेड बिंदी आई हुई है, दैट इज़ द बेस, ये बनाते हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए ई ब्रैक्टियोलेट और ब्रैक्टियोलेट दोनों के लिए हमने शो कर दिया है. उसके बाद है प्लस, यानी आपको पता है एक्टिनोमॉर्फिक है, दैट इज़ बायसेक्सुअल. उसके बाद पेरेंथ की अगर हम बात करें 3+3, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, कई स्टूडेंट्स बिल्कुल राउंड में बना देते हैं, वो गलत है. 3 जो हैं टेपल्स हैं वो अंदर की साइड होंगे, और 3 जो हैं वो टेपल्स वो बाहर की साइड होंगे, ठीक है. और उसके बाद एंड्रोशियम की बात करें, तो वो भी 3+3 हैं, यानी हर एक के साथ एक कनेक्टेड है उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में टेपल्स हैं, ठीक है. एंड्रोशियम के बाद अगर हम गाइनोशियम की बात करें, तो देख सकते हो आप ट्राइलोक्युलर है ना, ट्राइलोक्युलर है, यानी 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड है. एग्जाइल प्लेसेंटेशन है इसकी, और ओवरी जो है वो सुपीरियर है, सिन कार्पस है, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लोरल डायग्राम ऑफ लिलियाएसी फैमिली.
इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ.